मामा जी ने सप्लीमेंट लिया था और उनको रिजल्ट आए हैं, और अब 2 साल बाद भांजा भी आया। फोटो दिखा रहे हैं भैया, देख लो फोटो, ये 2 साल पहले की भैया की फोटो देख लो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट फिला फैमिली। और दोस्तों जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको एक वादा करना है कि आपको जुड़ना है सप्लीमेंट फिला से, उसके बाद आप कहीं नहीं जाओगे। यहां पर भैया आए हुए हैं अनवर जी, और मैं मथुरा आउटलेट हूं आज कृष्णा प्लाजा कृष्णा नगर, मेरी इनसे मुलाकात हो रही है 2 साल बाद। 2 साल पहले भैया की मुलाकात हुई थी मेरे से जब इनकी उम्र थी 16 साल की, 15 की जी, 15 साल की इनकी उम्र थी उस टाइम, और अब जो है इनकी उम्र हो गई है 17+, 17 साल की इनकी उम्र हो गई है। तब मैंने इनको कोई सप्लीमेंट दिया था, तब किसके साथ आए थे आप? मामा के साथ। मामा के साथ आए थे, मामा जी ने लिया था सप्लीमेंट। हाँ। और उनको रिजल्ट आए? हाँ। देख लो, मामा जी ने सप्लीमेंट लिया था और उनको रिजल्ट आए हैं, और अब 2 साल बाद भांजा भी आया। फोटो दिखा रहे हैं भैया, देख लो फोटो, ये 2 साल पहले की भैया की फोटो देख लो। इसमें शक्ल बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल इसमें बच्चे वाली शक्ल है, और यहाँ पर थोड़ी अब मैच्योरिटी वाली फेस हो गया है भैया का। तो अब भैया चाह रहे हैं बॉडी बनाना, बॉडी बनाना चाह रहे हैं। हाँ। भैया मतलब बॉडी गोल क्या है, मतलब मसल गेन करनी है, थोड़ा बहुत वेट बढ़ाना जी, थोड़ा बहुत वेट और मसल साइज गेन करनी है, मसल साइज ज्यादा गेन करना है इनको, वजन साइड बाय साइड बढ़ता रहे। तो दोस्तों क्या सप्लीमेंट लेना है जो भैया ने भी लिया है, और यहाँ पर भैया की जो बॉडी शेप है वो भी काफी अच्छी है। अनवर अगर आप दिखाना चाहो एक बार, ये देखो यहाँ पर बाइसेप वगैरह की शेप देखो, भैया की बहुत प्यारी शेप है। अब इसी को क्या चाहते हैं कि ये शेप मेंटेन रहे और साइज बढ़ जाए, 16 का डोला हो जाए। भैया देखो 16 का डोला कोई एक आध महीने में तो होगा नहीं, पर कम से कम देखो 1-1.5 साल आपको देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो 16 का डोला होने में मजा आएगा ना, उसकी भी बात ही कुछ और होगी, क्योंकि वो समय भी लेके आएगा, प्लस में आपका मेहनत भी, प्लस में भाई इन्वेस्टमेंट भी सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो उसकी आप वैल्यू भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है भैया ने पूरा कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक लिया है। और कहाँ से आए जी आप? मथुरा जी, यहीं से मकनपुर गांव से। मथुरा से ही आए? मथुरा से। और कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया बढ़िया लगा, करवा लिया। अच्छा, मेरे से मुलाकात आपकी दूसरी बार हो रही है? हाँ, दूसरी बार हो रही है। दूसरी बार हो रही है, पहले हुई थी 2 साल पहले और आप हुई है। हाँ। अब आप हमेशा सप्लीमेंट्स कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट्स से देख लो आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फैमिली वाली फील तो है ही, यहाँ पर जेन्युइन सलाह भी है यार। अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो सप्लीमेंट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो क्या सप्लीमेंट्स टैग लिया है भैया ने जो आपको भी लेना है? तो दोस्तों यहाँ पर भैया ने लिया है पावर प्लस मसल्स गेनर। जैसा कि भैया ने अपना गोल बताया कि मुझे वजन तो जरूर बढ़ाना है, पर सेकेंडरी प्राइमरी मेरा गोल है मसल साइज बढ़ाना। तो इसके अंदर आपको 1 चम्मच में 22 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा जो कि मसल साइज बढ़ाएगा, 25 ग्राम कार्ब जो कि वजन बढ़ाएंगे, सारे विटामिन मिनरल्स हैं इसके अंदर। साथ में लिया है क्रिएटिन जो कि स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करेगा, लिफ्टिंग पावर बढ़ाएगा। 1.5 चम्मच क्रिएटिन, 1/2 चम्मच एनर्जी प्रो, घोलो और पी जाओ। जहाँ 10 का डंबल उठा रहे हो 15 उठाओगे, जितना हैवी उठाओगे सेफ्टी के साथ उतना ही मसल साइज गेन होगा आपका। और यहाँ पर जो है एनर्जी प्रो जिम के बीच बीच में भी आप ले सकते हैं। तो 450 का एनर्जी प्रो है, 4500 का मसल गेनर है, और 1500 का है क्रिएटिन, बिल्कुल ओरिजिनल वाले जिनका कोई नुकसान नहीं है। ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से वादा करता हूँ, आप देख भी सकते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं, सप्लीमेंट्स मिला पर सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं पेरेंट्स, माँ बाप सबसे ज़्यादा आते हैं सप्लीमेंट्स मिला अपने बच्चों को लेकर, उनकी सेहत को सुधारने के लिए, उनकी सेहत बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेंगे, सप्लीमेंट्स मिला से लेंगे, तो आपके बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप जुड़े सप्लीमेंट्स मिला से, बच्चे को बस ये बोलें कि जल्दी के चक्कर में नहीं रहना और सस्ते सप्लीमेंट्स नहीं खरीदने, लेने हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। तो भैया को ये मिले ओरिजिनल जीएसटी बिल के साथ। दोस्तों यहाँ पर ये जीएसटी बिल और टी शर्ट शेकर सप्लीमेंट्स विला की तरफ से भाई को गिफ्ट है। अब यहाँ देखें तो नो डाउट भैया ने जो है 700-800 का टैक्स पे किया। पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, यहाँ सेहत का सवाल है, क्या पैसा देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों आप भी मत देखो पैसा, अगर आपका बजट नहीं है सप्लीमेंट्स का, देखो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का बस देखो ये तो नुकसान है ही, नुकसान का मतलब ड्रॉबैक कह सकते हैं कि भैया ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, पर दोस्तों सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनका कोई नुकसान नहीं होता है, प्लस में आपको जो भी रिजल्ट आएंगे वो टिकते हैं। तो आप भी लीजिए सप्लीमेंट्स वाला से, और बजट नहीं है तो बेशक सप्लीमेंट्स मत लो। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, 1200 रुपये हैं, आप उनसे कोई ऑनलाइन यूं ही कोई प्रोटीन मत खरीदो, ओरिजिनल लो और सप्लीमेंट्स वाला से लो। और बजट नहीं है 1000-1200 रुपये तो उनका आप जो है दूध पी लो, आप उनसे अंडे खा लो, आप उनसे दाल खा लो, चने खा लो, सत्तू पी लो, गन्ने का जूस पी लो, वो बढ़िया है, बजाय आप 1000-1200 रुपये का यूं ही ऑनलाइन कुछ खरीद लेते हैं, ऑफलाइन कहीं से कुछ ले लेते हैं, वो मत लो। और जुड़ना है सप्लीमेंट सलाह से। वीडियो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज की वीडियो में से निकली बार मिलने किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।